हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दूसरे ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं करूँगा। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रही है अभी, और हम लोग उठे 8:30 बजे, क्योंकि कल रात से बारिश हो रही थी। और जब भी सर्दियों में अगर मॉर्निंग के टाइम में बारिश होती है तो लोग लेट से उठते हैं। अभी हमने सिर्फ चाय पी है, और अब देखते हैं ब्लॉग में आगे आगे क्या होता है, उसके लिए बनिए रहेगा। दोस्तों देखते हैं बाहर क्या क्या हो रहा है, बाहर का मौसम रेनी। और देखते हैं आज नाश्ते में क्या बन रहा है। नाश्ते में क्या बना रहा है आज? नाश्ते में आज भैया ने सब्जी बनाई है। ओके, क्या सब्जी बनाई भैया ने? पहाड़ी सुखसे, और वो क्या कहते हैं वो बड़ी 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 कौन सी पहाड़ी बड़ी? दोस्तों पहाड़ी सुखसे एक्चुअली जो बेल वाली सब्जियां होती है ना, उसको काट के सुखा के उसे प्रिजर्व किया जाता है, और बाद में आप कभी भी फिर उसको बना सकते हो। उसे सुख से बोलते हैं, और बहुत टेस्टी होती है सब्जी। और जो पहाड़ी बड़ी होती है वो पहाड़ी दालों को भिगो के पीस के न्यूट्री बनाई जाती है, उसे ही पहाड़ी बड़ी बोलते हैं। एंड मेरी मैडम यहाँ पे रोटियाँ बना रही हैं, सब्जी तो भाई ने बना ली है, देखते सब्जी कैसी बनी है। ये दोस्तों सुख से और पहाड़ी न्यूट्री बड़ी की सब्जी है, दिखने में भी यम है, ड्राई बनी हुई है, एंड खाने में बड़ी यम होती है। और दूसरा ऑर्गेनिक सब्जी है, ऑर्गेनिक मतलब पहाड़ी दालें और पहाड़ी सुख से। वाह, और इधर रोटियां बन रही है। टाइम कितना हो रहा? टाइम कितना हो रहा? 11:30। और ये क्या हो रहा है? पागल हो गया। ये क्या हो रहा है? 11:30 बजे टूथपेस्ट और टूथब्रश। बार कर रही हूँ। ओके सॉरी, मैं तो भूल गया था, आप दो दो बार कर। मैं 6 बजे कर चुकी सुबह। अच्छा गुड। इनका टूथब्रश अब हो रहा है, 12 बजने को है। अभी अभी आपको हुआ है, ठीक है? तो गाइज आज है हमारे गांव में शादी, मतलब मेरे ससुराल में शादी, तो मैंने आज पहनी है साड़ी। तो अभी मैं अपना पूरा लुक भी दिखाऊंगी। अब मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं। मैं तैयारी में बस ऐसे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और बारिश हो रही है, तो आप मेरा पूरा तो मैंने कुछ कुर्ता उर्ता पहनना पसंद नहीं किया। ठीक है, बट अच्छे लग रहे, क्यूट से लग रहे हो। थैंक यू। बट चलो मेरा लुक दिखा दो सबको, ठीक है? ओके। तो ये है मेरा आज का पूरा लुक। अच्छे लग रहे, सही लग रहे हो? पक्का अच्छे लग रहे आप। तो ये है सर्दी वाला लुक, क्योंकि इसमें मैंने हाईनेक पहनी है, उसके अंदर इनर भी पहनी है, नीचे पजामे पहने हैं, मतलब फुल पैक हो रखी है ना। चलो चले। Oh,
शीश सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। हाँ ऐसे भी अच्छे लग रहे हो आप, बट जब ठंड से जाड़ा लग जाए ठंड से जाड़ा लग जाए क्या बात है जब ठंड से जाड़ा लग जाए तो हम ऐसे भी गा सकते हैं ना क्या बात है, ब्लू ब्लू मैच कर रहा है हाँ। ये ड्रेस तो नहीं लग रही है ड्रेस ही लग रही है सर्दियों वाली तो, और ऐसे भी जा सकते हो आप शादी में तो दिल्ली की बारी। ब्लॉग में बने रहे, जो जो होगा हम आपको दिखाएंगे ब्लॉग में, जो जो होगा है ना शादी में, जो जो भी होने वाला है। मतलब शादी काफी अच्छी रही, थोड़ी सी बारिश आ गई, हमें ठंड लगी, हमने जल्दी खाना खाया, क्लिप भी नहीं बना पाए क्योंकि बारिश आ रही थी। तो अब हम फिर जाएंगे थोड़ा चाय चुई पी के, है ना, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। चलिए आओ भाई, ये तो वाली वो बहुए नहीं होती जो अपनी गपशप चल रही है, और जैसे आप देख ही रहे होंगे इसमें कुछ सीनियर सिटीजन लोग हुक्का पी रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और अब इनके लिए गर्मा गर्म चाय आ चुकी है, और चाय पीने के बाद सब लोग फिर से शादी में जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। सो गाइज हम जस्ट अभी छत पे आए हैं, और हमें कुछ ऐसा व्यू दिखा आज, सुनो कल वो मिलेगी बर्फ, तक स्नोफॉल हो जाएगा पक्का, कल तक स्नोफॉल हो जाएगा। बस यार मैं स्नोफॉल का वेट कर रही हूँ। ये दुल्हन की विदाई हो रही है, हाँ उस साड़ी पहनने उसने, और अंधेरा हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा भावुक क्षण होता है, वाकई ये इमोशनल कर देने वाला। तो इसी के साथ इस व्लॉग की एंडिंग करते हैं, आशा करती हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया हो। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।